नूर तूने एकदम अपनी मम्मी की एक्टिंग करी एंड एनू एवं लगना चाहिए कि तेरी मम्मी एंड एनू कह रही है ठीक है ना। ठीक है तू अपने पापा को जा मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। माय डियर मैनू ना थोड़े नाल बड़ा ही प्यार है। ज्यादा जानदा मैं तेनू बट्टी प्यार करन वाली नू तेरे नाल तां व्याह करा के पछता रहा मैं सोचे सी वड्डे घर दी कुड़ी है वादू पैसा मिलूगा पर मैं तां इस घर दा कुत्ता बन के रह गया कुत्ता। ए सब तेरी बेवकूफी करके होया बेवकूफी करके इन्ना चंगा प्लान बनाया सी करन दे मूहरे साबित कर सकदे सी कि पावनी पागल है साडे सारयां लई डेंजरस है फिर उन्हें आप ही उन्हें घरों बाहर कढ़ देना सी ते सारी प्रॉपर्टी सानू मिल जानी सी पर तेरी बेवकूफी करके ते सारा प्लान चौपट हो गया। मैं पावनी नूं चंगी तरह डराता पर ते तो असली दी थां ते नकली गोलियां नहीं बदल हुई डफर है तू थां दी तेरे कोल एक मौका होर सी जे तू हाई डोज वाला इंजैक्शन पावनी नूं ला दिंदी पर तू उत्थे भी गलती करती तू वो भी पावनी नूं लाउण दी थां ते मेरी ठोकता तू किसे गम दी नहीं हैगी मेरी दफा हो जा चली जा इत्थों तुच्ची चला तुच्ची सारी मेरी ही गलती है मैं ही असली कसूरवार हूं। हाँ सारी गलती तेरी थी तेरे करके सारा प्लान खराब होया तेरे करके मेरी ये हालत हुई है सिमरन तो तेरी भूआ मैनू दिमाग तो पैदल कुदरी लगती है ओनू लगता है कि मैं ही दुनिया की सब तो तेज औरत हूं। पावनी पावनी इन्ना स्वाद खाना बनाती है ओदी बनी हुई सब्जी भुख नू दुगना चौगना कर देती है मैं तो वह भी छड़ता वह भी कुट करता क्योंकि मैनू पैसा चाहिए ऐशो आराम चाहिए पर तेरे होंदे हुए मैनू कुछ नहीं मिलना तू चली जा इत्थों किसी कम की मेरी गल दसा सिमरन जेडी तेरी और दोस्त है ना जिन्हों तू नकली डॉक्टर बना के लेके आई सी जे तू ओनू फंक्शन ते बुला लेंदी ना ते जदों पावनी दे हथों गोली चलदी तां तेरी उस नकली डॉक्टर ने पावनी नू पागल डिकलेयर कर देना ते अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी पर ते तो ये भी नहीं होया तू तां बस चली जा इत्थों। और पानी पानी दे दे आप प्यार कर दिए मेनू पानी देने लगे तो मौत पै जाती है पागल किसे तुसी चिंता ना करो भाभी जी बल्कि मैनू तो इस गल की बड़ी खुशी है कि इन्नी टेंशन दे विच रहन दे बावजूद भी तुसी साडे सारयां दा भला सोच रहे हो मेनू माता रानी ते पूरा भरोसा है कि तुसी जल्दी ठीक होके घरे वापिस आ जाओगे फिर मैं थोड़ी वेलकम बैक दी पार्टी भी रखांगी। हेलो मैडम जी एम्बुलेंस पहुंच गई है तुसी मरीज नू ले आओ। ठीक है मैं लेके आनी हूं। देखो भाभी जी माता रानी भी साडा किन्ना साथ दे रही है हजे असी जान दी गल ही कीती है ते हस्पताल वाले ने थानू लेके जान लई एम्बुलेंस भी भेज दिती है। भाभी करण वीरा इस वेले घरे नहीं हैगा वो थानू बड़ा प्यार करदे ने ओने थानू अपनी अखां दे सामने कदी भी नहीं जान देना सी मैं तां कहनी है मौका चंगा है तुसी चुपचाप जाके हस्पताल च एडमिट हो जाओ। मैं डॉक्टर रीचा नू कह के थोड़े सर्टिफिकेट बना दिता है थानू उत्थे कोई कमी पेशी नहीं होनी हुणे फैसला तुसी करना है भाभी जी कि तुसी उत्थे जाना चाहुंदे हो या फिर मैं एम्बुलेंस वापिस भेज दवा। नहीं नहीं सिमरन दीदी मैं हुणे अपना सामान लेके आनी हूँ मैं तो पहले ही जाने की सारी तैयारियां कर ली। जान की तैयारी तू नहीं की पावनी बल्कि मैं कराई है। बाय बाय भाभी जी बाय बाय। क्यों होया मम्मी हॉल विच ता कोई भी नहीं है फिर तुसी किनू देख के खुश हो रहे हो। हुन की दसा नूर पुत्र अपने हंजुआ नु लुकान वास्ते मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ
तेरी सुपर मॉम नू मेंटल हॉस्पिटल वाले दी एम्बुलेंस ले जान वास्ते आई है। हुन असीं उन्हां नू रोक नहीं सकते ना। पर हॉस्पिटल क्यों जा रहे ने? सानू उन्हां नू रुकना चाहिए, सानू पुलिस अंकल नू फोन मिलाना चाहिए। नहीं कर सकते ना बेटा, तेरे पुलिस अंकल किसी बड़े जरूरी केस विच फसे हुए ने। देख बेटा, तेरी सुपर आंटी नू असीं आप थोड़ा भेज रहे हैं, डॉक्टर ने आप तेरी सुपर आंटी नू कहा है। नाले तुसी ना इन्नी टेंशन ना लो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। इसी सुपर आंटी नू जान तो रोकना है, जब तो जाएंगे ना तो उन्होंने काटे मंदिर भेज के आए, ठीक है ना? हाँ छोटू। जय हिंद जनाब। सलूट मारिया सी, पता नहीं मेरे दिमाग विच गल क्यों नहीं आई कि पहला मैं तुहानू इनफॉर्म कर दे। है ते गलत होया, बहुत ज्यादा गलत होया। मैं अपने हर केस विच पूरी इनवॉल्वमेंट रखता, इस बारी मैं तुहाडे ते पूरा भरोसा कीता सी। माफ कर दे जनाब। कमल तैनू माफ करने नाल इन्हें जिंदा हो जाना है? ए मेरे करियर दा सब तो वर्स्ट केस सी। मेरी कस्टडी विच, मेरे थाने विच, मेरे प्राइम सस्पेक्ट नू कोई गोली मार के चले गया। तुसी ये किवें प्रूफ करोगे कि वो बंदे कौन सी? बाहर सब नू यही लगना है कि छिंदे नू असी गोली मारी है। तुसी प्रूफ कर सकते हो कि छिंदे नू असी गोली नहीं मारी है, उन्होंने मारी है? तुहाडे कोल कोई जवाब है जनाब? ओहदे कोल सबूत, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होना। छेती सारी फुटेज लाओ ते देखो, पता करो बंदे कौन सी। ठीक है जनाब। जैन सर, सर एक बैड न्यूज है सर। दो बंदे फेक क्राइम ब्रांच वाले बन के थाने में जाके छिंदे नू गोली मार के चले गए सर। सर आई एम सो सॉरी सर, मैं ये पूरी जिम्मेदारी लेंदा सर। ते ए किवे होया ऐसी पूरी डिटेल रिपोर्ट मैं तुम्हें देंगे सर। जी सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, मैं इंस्पेक्टर करण खुराना बोल रहा। मेरे थाने में एक सस्पेक्ट का मर्डर हो गया है, तुसी प्लीज अपने एक्सपर्ट्स को भेजो। जी पता नहीं की कर रही है। जे मैं सुपर मॉम नू मंदिर ले भी आया तो अभी की हो जाना? चलिए भाभी जी। मैं वो जा रहे ने, तू उन्हें नू तू किवे रोकेंगी? उन्हें दे जान तो पहले उन्हें नू कह दे कि माता रानी दे दर्शन कर जान। चलो सिमरन जी। चलो। इलाज की जरूरत होंदी है ते तेरी सुपर मॉम इलाज दा करवान जा रहे ने। ठीक है, पर तुहानू जान तो पहला माता रानी दे दर्शन करने पैने है, नहीं तो मैं नहीं तुहानू जान देना। ए किहो जी जिद्दा नूर पुत्तर, तेनू नहीं पता कि तेरी सुपर मॉम माता रानी नू नहीं मानदी? पर मैं तो मानदा है ना, इसलिए इन्हां नू जान तो पहला माता रानी दे अग्गे मत्था टेकना पैणा है। चलो सुपर मॉम, चलो।
सॉरी सर। एदे मरण दा मैनू कोई दुख नहीं है, दुख तो इस गल दा है कि एदे नाल एदे सारे सारे राज भी चले गए। जे जिंदा होंदा तो शायद एदे पूरे गैंग नू असीं फड़ सकदे सी। खास तौर पर वह बंदा का पता लग जाना सी जिन्हां दे हवाले ये बच्चा नू करदे सी। मैं समझ सकता जनाब। हैरानी वाली गल तो यह है कि आखिर इन्हू चुप कौन करवाना चाहता सी? कौन यह चाहता सी कि एदे राज हमेशा लई राज ही बन के रह जाण? थाने विच आके किसी का मर्डर करना है कोई आसान गलत नहीं, कौन हो सकता है? तुसी सारी फुटेज मैनू जरा भेजो, मैं आप देखांगा। तो जदों तक एक्सपर्ट नहीं आ जाते यह कमरे में लॉक करो। ठीक है? ठीक है जनाब। सतिकाल सरपंच साहब, सतिकाल। लो जी मट्टू हलवाई दे लड्डू खाओ। ये किस खुशी च? वो खुशी का पुछो ना जी, आत्मा दारा ढोली इतने है नहीं तो उन्हें ढोल दे अगे के मैं आह ए आह भंगड़ा पाते पाते आना सीगा। क्या कमाल दे बंदे जी, तुहाडे छूं करके गए ते छां करके छिंदे का काम करके वापस भी आ गए, किसी नूं पता भी नहीं लगन दिता गा। तुसी मेरा एडा वड्डा काम कीता उहदे लई बहुत बहुत शुक्रिया। हुण तुसी ऐ समझो कि आ राज हमेशा लई दब्या रहू, पर हां जे कदे लोड़ पई तां राज बुल्लां ते दुबारा भी आ सकदा। इस करके तुहानूं अपनी दोती मेहर दे नां ते मेरे ते मेहर रखनी पैणी, नहीं तो मैं मेहर ते उहदी मां नूं जाके सारा कुछ सच सच दस दूंगा। मेरी धी ते मेरी दोती तो दूर ही रही, नहीं तो जड़े बंदे मैं छिंदे दे पिछे लाए सी ना वो तेरे पिछे भी ला सकदा। ओहो ओ तुसी तां गुस्सा ही कर गए सरपंच साहब। नाले मैं सुनिया ज्यादा गुस्सा करन दा असर ना सीधा दिल ते पैंदा है। लो जी अपने बंदे नूं खवा दिओ। ओ लो लड्डू दे हत्थां दे लड्डू रोज रोज नहीं मिलदे। इन्नी लंबी आरती तक कभी मंदिर ते पुजारी ने नहीं की थी। लगता सारी आरती अज करके हटूगी। जे किते पावनी दे जान तो पहले करण वीरा आ गया ना सारा किता कराया तरिया रह जाना। सिमरन सिमरन बाहर एम्बुलेंस क्यों खड़ी? ते पावनी किथे? ओरे भाभी छुटकू एहो जा की हो गया है? तू मैनू फोन करके मैनू बुला भी सकदी सी ना, जे ना जरूरी काम सी। पर तुसी ते अपने जरूरी काम गए सी ना, तानू फोन की भी कर लेंदी। काम ते जरूरी हुंदा ही है पर परिवार भी ते जरूरी हुंदा है ना। हुन मैनू दस मैं ते खड़ा है ना। सुपर आंटी नू हस्पताल वाली लेना है ने, ओ बिल्कुल ठीक ने, तुसी उहनां नू जान ते रोको ना। केड़े हस्पताल वाले आए सी? पागल खाने वाले। सुपरमैन ओथे ही ता जा रहे ने। पागल खाने वाले? वो किवें पावनी नूं लैन आ सकदे ने? पावनी ऐ सब की है? बिना मैनूं दसे तुसीं इहो जिहा फैसला किवें ले सकदे हो? वीरे मैं तो उदां ही कर रही हां जिवें जिवें मैनूं पापी कह रहे ने। पावनी ऐ सब की है? तुसीं अपने फैसले खुद लै सकदे हो पर इस वड्डे फैसले विच मैं तुहाडे नाल जुड़िया होया सी ना, मैनूं बिना दसे तुसीं इवें किवें सोच सकदे हो? मैं अपनी हालत जान दिया करण जी, ते मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए। मैं बड़ा होश खो चुकी हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुसी ठीक हो सुपर आंटी, तुसी पागल नहीं हो, बस तानू पागल बनाया जा रहा है।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੈਂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਛੁਟਕੂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਟੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੌਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ? ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਡੂ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਲੱਡੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੇ, ਕਿਤੇ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲੋਲੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਓ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਹੈ ਕਿਟੀਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕੁਛ? ਨਾ, ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਟੀਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਟੀ? ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਛਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖ ਬਿੱਟੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਡੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਗੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਸੀ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਟੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਟੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ ਬਿੱਟੀ? ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਈ ਕਿੱਟੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਛੁਟਕੂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਤੇ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੋਈਆਂ। ਟੱਫਰ ਹੈ ਤੂੰ ਥਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸੁਪਰ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪਾਵਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ।